और अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो अभी मई मंथ में एग्जाम होगा तो उसके लिए काफ़ी सारे लाइव सेशंस मैं ले रहा हूँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पूरा अप्रैल मंथ आपका लाइव सेशन चलने वाला है कल से शुरू हुआ है तो एक लेक्चर मैंने कल ले लिया है अभी फिलहाल उसके बेसिस पे काफ़ी सारे लेक्चर्स uh, का आने वाले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी का मेरा लिंक है उसको डाउनलोड कर ले फ्री सेशन के लिए मेरा कोड यूज करें राहुल मोहिले और उसके बेसिस पे आप फ्री सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आपको वहां पे जाके मुझे फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर्स तो अस स्टार्ट टूडे सेशन रिलेटेड विद दीक्यूज विच वी हैव स्टार्टेड दिस इज द पार्ट थ्री पिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स तो इनमें से नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन सा है हमने रिडमशन ऑफ प्रेफरेंशियस में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट और दूसरा होता है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जिससे हम डिविडेंड देने के लिए यूज करते हैं दैट मीनस उसी से हम सीआरआर क्रिएट करते हैं तो यहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट मतलब नॉन डिविजिबल कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अकाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या रिवैल रिजर्व रखना loss, और reserve, ये तीनों के तीनों आपके है लेकिन रिवैल रिजर्व जो है दैट इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट इट इज कंसिडर एज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट तो इसका राइट right आंसर बनेगा रिवैल्युएशन रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरआर का फॉर्मूला पूछा है सी आर आर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्शन माइनस डैश तो सी आर आर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व विच वी हैव हैर्न इन द चैप्टर ऑफ रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियस तो सी आर आर का मतलब क्या है फेस वैल्यू ऑफ रिडम्शन माइनस क्या करते हो आप डिविजिबल प्रॉफिट्स करते हैं प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू करते हैं नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स करते हैं या शेयर्स रिडीम करते हैं सी आर आर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडमशन दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंसर्स माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू जो भी आप नए फ्रेश इश्यू करोगे इक्विटी शेयर्स के उसको आप आपके प्रेफरेंस के वैल्यू में से नॉमिनल वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपको सी आर आर की वैल्यू मिल जाएगी फर्दर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा कंसेप्चुअल

इन्वेस्टमेंट्स तो बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो हम कहा ट्रांसफर करते हैं दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये जो प्रॉफिट होता है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल्ड तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल्ड मतलब ये भी आपके रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं लास्ट एंट्री हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट तो तभी जनरल एंट्री क्या होती है बैंक टू प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स होल्डर्स प्रेफरेंस टू बैंक बैंक टू सी आर आर या बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो सिंपल कंसेप्ट है वी आर सेटलिंग द प्रेफरेंशियस या वेन एवर वी आर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे पास से पैसा बाहर जा रहा है तो हमारे पास से कैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है तो हु इज द रिसीवर प्रेफरेंशियर होल्डर्स आर द रिसीवर वॉट वी आर पेइंग कैश वी आर पेइंग डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश इज गोइंग आउट इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो यहाँ पे एक ही आपका पॉइंट है जहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है तो राइट right आंसर बनेगा प्रेफरेंशियर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू बिकॉज मैंने इसी तरीके से आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ एम सी क्यू सॉल्व करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है एमसीक्यू से आपके कंसेप्ट को कैसे हम रिवाइज करें वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी पेपर में आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे और जितने भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो सारे कंसेप्चुअल बेस पे होंगे तो इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर यू कैन सॉल्व एनी ऑफ दी दीक्यू रिलेटेड टू योर पेपर लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सेवन लाख रुपीज द लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टी and the premium on redemption redemption is is sixty thousand then profit available for redemption is. तो आपके पास पी एंड एल का बैलेंस दिया है सात लाख रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट लॉस जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा तभी हमें लॉस हुआ पचास हजार का और प्रीमियम ऑन रिडम्शन जो हम एडजस्ट करते हैं वो है सिक्सटी थाउजेंड तो आपको ये ढूंढना है कि कितना बैलेंस पी एंड एल में अवेलेबल रहेगा जो हम रिडम्शन के लिए यूज करेंगे ऑप्शन काफी सारे हैं फाइव लैक्स फाइव लैक नाइनटी 6 और 6 10, तो है से. क्या करना है आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने लॉस हुआ लॉस क्या होता है माइनस होता है ठीक है तो सेवन लाख में से फिफ्टी थाउजेंड को आपको माइनस करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्शन सिक्सटी ये भी एडजस्ट करना है ये भी माइनस करना है तो सेवन लैक्स में से हम सिक्सटी और फिफ्टी कितना होता है माइनस करेंगे तो आपका राइट right आंसर बनेगा फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड तो फाइव लैख नाइन्टी थाउजेंड इसका राइट right आंसर है काफी सिंपल था अगर आपके पेपर में समझो ऐसा पूछा कि इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त प्रॉफिट हुआ तो फिर पचास हजार प्रॉफिट जो है वो ऐड करना है वो माइनस नहीं करना है माइनस कब करना है जब लॉस आएगा लॉस आएगा तो माइनस करना है प्रॉफिट आएगा तो आपको प्लस करना है आई होप दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिलेटेड टू योर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू इसमें से आपके काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ़ द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज थर्टी फोर थाउजेंड आर सोल्ड फॉर रुपीज थर्टी वन फाइव हंड्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है थर्टी फोर थाउजेंड और आप उसको सेल कर रहे हैं थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पहले ये चीज देखो तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा थर्टी फोर का इन्वेस्टमेंट अगर थर्टी वन फाइव हंड्रेड में बेचेंगे तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया था कि लॉस होगा हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है तो यहां पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट कहां पे ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है बाय मिस्टेक मैंने कैपिटल रिजर्व बोला तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इन्वेस्टमेंट जब हम सेल आउट करेंगे तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहां पे लास्ट के जो दो ऑप्शन है ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए ये भी गया और ये भी गया ठीक है अभी बचे ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक में क्रेडिट दिख रहा है एक में डेबिट दिख रहा है तो सिंपल रूल है सिंपल फंडा है जो आपको याद रखना है दैट इज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे और हमें प्रॉफिट हुआ रिपीट अगेन अगर हम इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं और हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा ठीक है प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो यहाँ पे लॉस हो रहा है बिकॉज थर्टी फोर थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट आप थर्टी वन फाइव हंड्रेड में बेच रहे हो तो राइट right आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं इस क्वेश्चन से Question number seven is from the chapter of PPI, Profit Trial to Incorporation. Share transfer fees received under Profit Trial to Incorporation is posted to pre incorporation, post incorporation, distributed in time ratio, distributed in sales ratio. तो जो शेयर ट्रांसफर फीस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और वो जो शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड है इज रिलेटेड डायरेक्टली विद द कंपनी तो ये सीधा आपका पोस्ट होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ये पोस्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज एट नंबर स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर क्रिएटिंग सी आर आर तो इनमें से कौन सा पॉइंट सी आर आर क्रिएट करने के लिए यूज नहीं किया जाता जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविडेंट इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस और डिविडेंट इक्विलाइजेशन रिजर्व ये तीनों के तीनों हमारे डिविजिबल प्रॉफिट है और डिविजिबल प्रॉफिट को ही यूज करके हम सी आर आर क्रिएट करते हैं बट सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज नहीं करते और क्रिएटिंग सी आर आर तो राइट आंसर इसका बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन नंबर नाइन प्रॉफ़िट ऑन फोरफ्यूचर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसर्स इज क्रेडिटेड टू तो जब हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं जब कोई भी शेयर होल्डर पैसा नहीं भरता क्योंकि लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का या रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स का एक रूल है कि जब तक आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेडअप नहीं हो जाते तब तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते दैट मीन्स पार्टली पेडअप प्रेफरेंशियर्स कैनॉट बी रिडीम तो वेनएवर शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप तो हम क्या करते हैं हम कॉल करते हैं लोगों को बोलते हैं कि पैसे भरो और फिर अगर लोग पैसे नहीं भरते तो उनके शेयर्स फिर कंपनी क्या कर लेती है कंपलसरी सरेंडर कर लेती है जिसको बोला जाता है फोर फ्यूचर तो ये जो फोर फीचर होता है ये फोर फीचर का जो प्रॉफिट होता है ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट एम बन सकता है यहाँ पे दैट इज प्रॉफिट ऑन फोर फीचर जो है दैट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं द अनपेड बैलेंस इन द प्रेफरेंशियर होल्डर्स अकाउंट इज ट्रीटेड एज फिक्स असेट करंट असेट करंट लाइबिलिटी या अदर करंट असेट तो ध्यान से वॉट एवर अनपेड बैलेंस है प्रेफरेंशियर होल्डर्स का एक एडजस्टमेंट आता है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स में दैट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रेसेबल मतलब ऐसे लोगों को हम ट्रेस नहीं कर पाए ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन ये प्रॉब्लम हो सकता है तो ये जो अनपेड बैलेंस है प्रेफरेंसर होल्डर्स का ये कहा ट्रांसफर किया जाता है तो ये ट्रांसफर किया जाता है करंट लाइबिलिटी में तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज ट्रांसफर्ड टू करंट लाइबिलिटी तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन इफ यू आर न्यू टू द चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम और ऐप डाउनलोड कर ले ऐप में काफी सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगी तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल बिकॉज ये सारे जो पी डी एफ्स है मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे शेयर करने वाला हूँ तो ऐप अभी डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर